नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हालात बड़ी मुश्किल है और प्लीज घर पर रहें और घर पर रहकर मेरी वीडियो को देखें और एक्सेल को सीखें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को लें। तो आज की हमारी इस टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम। बेसिकली ये हमारे एक डेमो क्लास होल्डर है। जी हाँ, हम लोग पहले कुछ क्लासेस डेमो देते हैं, तो एक डेमो क्लासेस होल्डर है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि ये कैसे होगा। अब डेमो क्लास होल्डर कौन है, मैं एक बार बता देता हूँ कौन है। वह है, नाम भूल गया मैं, मुकेश बंधु जी। जी हाँ, मुकेश बंधु जी हमारे एक ये हैं डेमो क्लास के लिए। उन्होंने फिर फॉर्म फिल किया था मेरे वेबसाइट iptindia.com पे जाके। तो उनका कहना है कि उनको टैली से डेटा आता है, उस डेटा में इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें DR और CR लगा रहता है। जी हाँ, जिसमें DR और CR लगा रहता है। तो ये देखना चाहते हैं कि डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है और बैलेंस कितना बचा हुआ है। उनका डेटा एक ही सेल में इस तरह से टैक्स लगा रहता है। हालांकि इसको किया जा सकता है, तो चलिए इनका टोटल हम निकालते हैं। तो इसको हम सम इफ से भी कर सकते हैं कि सम इफ, और हमने इसको लगाया और उसमें बोला इन्वर्टेड कोमा में कि DR को सम करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सम नहीं होगा क्योंकि ये नंबर्स है। क्या है? नंबर्स है। जी हाँ, सम इफ नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें नीड क्या है, इसमें से DR CR को हटाना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम DR CR को हटा देंगे तो फिर आइडेंटिफाई कैसे होगा कि मैंने आप 55-78 डाल दिया और एक कॉलम, मैंने मान लीजिए कॉलम हमने हटा दिया, कॉलम हमने हटा दिया, तो पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें क्या है। तो उसकी सॉल्यूशंस के लिए हम इसको क्या करेंगे कि माइनस में DR को माइनस में और CR को पॉजिटिव रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे इफ फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ, और इसमें से लेफ्ट से दो लेटर अलग करूंगा और बोलूंगा कि ये दो लेटर इक्वल टू DR है। तो फिर मैं यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ में से माइनस करें दो डिजिट और उतना लेटर अलग कर, माइनस हमने यहां भी दे दिया आपको। और नहीं तो फिर हम यहां पे वापस राइट करेंगे और इसमें हमने बोला इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ में से दो माइनस कर दो, इसमें हमने माइनस का साइन नहीं लगा। तो देखिए आ गया। तो हमने क्या किया, यहां पे दिख रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, यहां पे हमने माइनस का साइन लगाया। तो बेसिकली राइट क्या है, तो मुझे इसमें से सिर्फ नंबर को अलग करना है। तुम्हें पता है कि DR CR आगे लगा हुआ है और DR CR दो डिजिट का है, तो हम यहां पे सिंपल राइट का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट के फॉर्मूले में बोलेंगे कि इसमें से राइट से अलग करो तो कितना डिजिट अलग करो, क्योंकि फोर डिजिट होगा तो जल्दी फोर डाल दोगे आप, लेकिन जरूरी ना फोर डिजिट हो, वो 5, 6, 7, 8, 9 हो सकते हैं। तो राइट फॉर्मूले में हमने बोला कि इसकी लेन, मतलब कि लेन क्या करता है कि CR से लेके 9 तक पूरा काउंट कर देगा कि कितना डिजिट है, और फिर उतना डिजिट को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जी हाँ, उतना डिजिट को माइनस कर देते हैं, दो डिजिट को माइनस कर देते हैं। तो CR दो डिजिट है, माइनस होके उतना ही लेटर देगा जितना नंबर्स है, और यहां पे हमने कर दिया प्लस और माइनस में, और फिर यहां पे इसलिए हम यहां पे माइनस लगा दिया। तो माइनस वाला वैल्यू में माइनस का साइन लग जाएगा और प्लस वाले वैल्यू में प्लस का साइन नहीं लगेगा। तो हमने यहां पे बोला कि लेफ्ट, अगर दो डिजिट निकालने से अगर और DR है तो ये राइट का ऑप्शन, हमने बोला कि राइट का ऑप्शन लगा दो, नहीं तो माइनस राइट लगा दो, नहीं तो सिंपल प्लस राइट रहेगा, और नीचे तक इसको ड्रैग कर दो। अब मुझे इसमें अब दिक्कत यह है कि ये अलग अलग आ गया, तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसमें प्लस 0 कर देता हूं, तो सारा वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें बैलेंस हमें निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए सिंपल हम सम कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस होके हमारा बैलेंस हो गया।
लेकिन फिर भी मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां सम इफ अलग अलग देखना चाहता हूं, तो सम इफ का यूज करूंगा और इसमें से हम बोलेंगे कि भाई जो लेस देन जीरो है उसको सम कर दो, और फिर यहां पे हम वापस सम करेंगे, सम इफ करेंगे, और सम इफ में बोलेंगे कि भाई इसमें से जो ग्रेटर देन जीरो है, जो ग्रेटर देन जीरो है उसको सम कर दो, और फिर क्रेडिट माइनस डेबिट और आपके सामने बैलेंस आ जाएगा। बट इसमें बैलेंस आया है लेकिन डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमारा ये बैलेंस दिखा रहा है, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, हमें इसमें प्लस ही लगाना चाहिए था क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता था ना, इसलिए हाँ अब रिजल्ट सही है, ये माइनस का साइन है ना, तो ये हमारा ये आपका रिजल्ट आ गया, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आशा है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। जी हाँ मुकेश जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, आप लोग भी घर पे रहें, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और अपने परिवार वाले को भी फोर्स करें कि वो घर पे ही रहें, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से मारने वाले हैं नहीं, तो फोर्स करें, चाहे वो आपके चाचा हों, चाहे आपके डैड हों, चाहे मम्मी हों, उनको फोर्स करें कि आप घर में रहें, और अगर कोई बाहर जाता भी है तो कोई एक पर्सन है जो कि बाहर जाएगा, सारे मेंबर घर से बाहर ना जाए, और बाहर से आते ही सबसे पहले स्नान करें, कपड़े को बाहर धूप में रख दें, और अच्छे तरीके से स्नान करने के बाद भी गए, और बच्चों को अगर आप बाहर गए हैं तो प्लीज़ बच्चों को दूर रखें, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं, और कैसे क्यों नाजुक हैं इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पर देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्यों नाजुक है हालात।